बिग बॉस के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिनकी जिंदगी बिग बॉस ने पूरी तरह से बदल दी और कादर खान और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक ऐसा फिल्मी किस्सा जो शायद ही किसी को पता होगा। और कौन सी है खतरनाक जॉब्स जिन्हें करना मतलब हर दिन अपनी मौत को दावत देना है। और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहनते हैं उल्टी घड़ी, क्या इसके पीछे की वजह। बिग बॉस शो के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें शो में ही मिल गया अपना सच्चा प्यार, जानेंगे सब कुछ वीडियो में, पूरा जरूर एंड तक देखिएगा। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों समंथा सुर्खियां बटोरने में कभी पीछे नहीं रहती। वैसे तो समंथा साउथ की सुपरस्टार है, ये अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती से अपने फैंस का दिल तो जीत ही चुकी है, लेकिन उनकी खूबसूरती लोगों के दिलों को ऐसे छूती है कि इनसे नजरें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों समंथा रूथ प्रभु का जन्म 28 अप्रैल 1987 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। समंथा साउथ के साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम करती है। समंथा साउथ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से भी एक है। समंथा ने साउथ के एक्टर नागा चैतन्य से 2017 में शादी की थी, हालांकि 2021 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। समंथा को अपनी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें 4 बार फिल्म फेयर, 2 बार नंदी अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड हैं। फैक्ट नंबर 2, टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर एक सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं और सुर्खियां बटोरने का मौका तो ये कभी नहीं छोड़ती। फिर चाहे सोशल मीडिया पर उनकी 31 मिलियन की बड़ी फैन फॉलोइंग हो या 21 साल की उम्र में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना। चंद्र नंदिनी में चारुमती और अलादीन में राजकुमारी यास्मीन के नाम से मशहूर अवनीत ने महज 8 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों इन दिनों वो अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। जब अवनीत अलादीन में राजकुमारी यास्मीन के रूप में दिखाई दी थी, तब से शो के लीड एक्टर सिद्धार्थ निगम के साथ उनकी केमिस्ट्री के खूब चर्चे थे। हालांकि दोनों ने हमेशा से ये बताया कि ये सब बस एक अफवाह है, वो एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब खबर है कि अवनीत कौर का दिल एक मिस्ट्री मैन के लिए धड़क गया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अवनीत कौर प्रोड्यूसर राघव शर्मा के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों ने अपने रिश्ते को अपने प्रोफेशन की वजह से छुपाया हुआ है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि अवनीत और राघव काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों को 3 से 4 साल पहले एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास हुआ। दोनों सोशली मिले थे और पहले राघव को अवनीत से प्यार हुआ था और फिर उन्होंने काफी समय तक अवनीत का पीछा भी किया था। हालांकि उन दोनों ने इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है। फैक्ट नंबर 3, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस के 3 ऐसे कंटेस्टेंट्स के बारे में जिनकी जिंदगी बिग बॉस ने पूरी तरह से बदल दी। नंबर 1, हीना खान। बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट हीना खान वैसे तो फेमस थी ही, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। नंबर 2, नौरा फतेही। बिग बॉस 9 कंटेस्टेंट नौरा फतेही को भी इस शो से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और आज वो इंडस्ट्री में काफी फेमस है। नंबर 3, प्रिंस नरूला। बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट और विनर रह चुके प्रिंस नरूला को भी बिग बॉस ने काफी नाम और फेम दिया था। फैक्ट नंबर 4, कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और जब उसके सेट पर कादर खान पहुंचे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के मैनेजर से पूछा कि अमित कहाँ है। मैनेजर ने कहा, कौन अमित, सेट पर सब उन्हें सरजी कहते हैं और आप भी उन्हें सरजी ही कहा करें। कादर खान कहते हैं कि मुझे बात का ज्यादा दुख तब लगा जब मैं मैनेजर पर गुस्सा कर रहा था और अमिताभ शांति से अखबार पढ़ रहे थे और तब मैंने अमिताभ के साथ फिल्म न करने का फैसला किया। वक्त बदला और अब अमिताभ पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया था और वो दिवालिया हो चुके थे कि तब यश चोपड़ा की सिफारिश पर उन्हें मोहब्बत फिल्म में एक रोल दिया गया। एक दिन जब मोहब्बत फिल्म के सेट पर 9 बजे की टाइमिंग के बाद शाहरुख 12 बजे तक भी नहीं पहुंचे तो अमिताभ ने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से कहा कि ये कोई तरीका है कि शाहरुख अभी तक नहीं आए। तो आदित्य ने कहा कि आप मेरे पापा की सिफारिश पर लगे हैं और इस फिल्म में स्टार शाहरुख है तो आपको उनकी मर्जी से ही चलना होगा। फैक्ट नंबर 5, पंकज कुमार और नीलिमा अजीम जैसे बॉलीवुड सितारों के घर जन्म लेने के बाद भी शाहिद कपूर को शुरू से ही फिल्मों में आने का कोई भी शौक नहीं था। लेकिन एक दिन अपनी एक दोस्त के कहने पर शाहिद बिना मन से पेप्सी के एड के लिए ऑडिशन देने चले गए और वहाँ उनको सिलेक्ट भी कर लिया गया और अपने पहले ही शूट पर उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हो गई और शाहरुख खान ने शाहिद को फिल्मों में ट्राई करने को कहा। इसके बाद शाहिद ने अपनी डांसिंग पर इतनी मेहनत करी कि शाहिद को बड़ी बड़ी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का रोल मिलने लगा। किस्मत ने फिर से शाहिद का साथ दिया और फिल्म दिल तो पागल है के गाने में शाहिद की मुलाकात फिर से शाहरुख खान से हुई और शाहरुख ने फिर शाहिद से कहा कि तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। फिर शाहिद ने अपनी पूरी मेहनत फिल्म के ऑडिशन के लिए लगा दी और 100 से ज्यादा ऑडिशन देने के बाद शाहिद को आखिरकार इश्क विश्क फिल्म मिल गई। फैक्ट नंबर 6, कुछ ऐसी खतरनाक जॉब्स जिन्हें करना मतलब हर दिन मौत को दावत देना है। नंबर 1, स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर्स। इस जॉब में इंसान आसमान को छूती हुई बिल्डिंग पर केवल एक रस्सी के सहारे लटक कर उसकी खिड़कियों को साफ करने का काम करते हैं और इस नौकरी में एक चूक या गलती से इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 2, सीवर डाइविंग। इस जॉब में इंसान को एक सीवर के अंदर जाकर उसे अंदर से साफ करना होता है जो कि काफी ही घिनौना और खतरनाक भी होता है क्योंकि इससे कई सारी स्किन डिजीज भी हो सकती है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर। ऊंची ऊंची जगहों पर इलेक्ट्रिक लाइन्स को इंस्टॉल करना काफी खतरनाक होता है जिसमें ऊंचाई का खतरा तो होता ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट से होने वाली दुर्घटना का भी खतरा होता है। फैक्ट नंबर 7, ये बात शायद आपको पता हो या ना हो लेकिन आपको बता दे कि मोदी जी हमेशा अपनी घड़ी को उल्टा पहनते हैं। लेकिन आखिर घड़ी को उल्टा पहनने के पीछे का कारण क्या है? दरअसल अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू में जब अक्षय ने यही सवाल मोदी जी से किया तो उनका जवाब था कि वो घड़ी को उल्टा इसलिए पहनते हैं कि उनको घंटों घंटों मीटिंग में बैठा रहना पड़ता है, ऐसे में सबके सामने अगर वो घड़ी को बार बार देखेंगे तो इससे सामने वाले को अपनी बेइज्जती महसूस होगी और उसे ऐसा लगेगा कि मोदी जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी इसी वजह से घड़ी को उल्टा पहनते हैं ताकि वो मीटिंग के दौरान भी चुपके से उल्टी घड़ी से टाइम देख सके।
सके। फैक्ट नंबर 8, एक दीवाना था कि मूवी के एक्टर प्रतीक बब्बर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं स्मृति पाटिल और राज बब्बर के बेटे हैं। प्रतीक बब्बर ने एक आर्टिकल में खुद स्वीकार किया था कि वो 13 साल की उम्र में ही ड्रग्स लेने लगे थे। उन्होंने आगे बताया कि वो रिहाद के लिए गए थे और वहां उनकी हालत दिन पर दिन बेहतर होती गई। आज प्रतीक बब्बर बॉलीवुड के बेलग्रेड स्टार हैं, जिनकी हर एक 2 साल बाद कोई ना कोई फिल्म आ ही जाती है, वो भी सपोर्टिंग रोल में। फैक्ट नंबर 9, बिग बॉस हाउस के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें शो में ही मिल गया अपना सच्चा प्यार। आइए जानते हैं। इसमें पहले नंबर पर आते हैं बिग बॉस सीजन 9 के प्रिंस नरूला और युविका चौधरी, जो कि बिग बॉस हाउस में एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन बाद में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और आज ये शादीशुदा है। दूसरे बिग बॉस 13 से सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, जिन्हें बिग बॉस हाउस में एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ही एक दूसरे को काफी चाहते थे। तीसरे हैं बिग बॉस 13 के आसिम रियाज और हिमांशी खुराना, जो कि शो के दौरान ही एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे और दोनों ने सगाई भी कर ली थी। फैक्ट नंबर 10, सीढ़ियां तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों के बारे में शायद ही आप जानते हो। तो आइए जानते हैं। माचू पिच्चू स्टेयर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियां माना जाता है और इन स्टेयर्स को मौत की सीढ़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र तल से 2720 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता है। 3 घंटे की इस चढ़ाई में अगर जरा भी चूक होती है तो आप सीधा 2720 मीटर नीचे आ गिरेंगे, जिसके बाद आपकी मौत तो पक्की है। इन सीढ़ियों के इतने खतरनाक होने की वजह से हर साल यहां 400 लोगों के आने की ही लिमिट रखी गई है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे रीति रिवाज जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, थाईलैंड में लोग किसी दूसरे से अपने सर को छूने नहीं देते और सिर्फ इनके करीबी लोग ही इनके सर को छू सकते हैं। नंबर 2, चीन में बच्चों के जन्म पर ही उन्हें 1 साल का मान लिया जाता है और फिर चाइनीज न्यू ईयर के दिन उनकी आयु को 1 साल और बढ़ा दिया जाता है, जिसके चलते बच्चे 1 साल में ही 2 साल के हो जाते हैं। नंबर 3, मुस्लिम देशों में लेफ्ट हैंड को अच्छा नहीं माना जाता है और वहाँ किसी भी जरूरी काम को लेफ्ट हैंड से नहीं किया जाता है, फिर चाहे वो हैंड शेक हो या फिर लेफ्ट हैंड से लिखना हो। फैक्ट नंबर 12, आप अगर कभी भी एस्केलेटर पर चढ़े होंगे तो आपने एस्केलेटर के साइड में इन तरह के ब्रश तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको बताया कि आखिर इन ब्रशेस का काम क्या होता है? देखिए, एस्केलेटर के साइड में मौजूद इन नायलॉन ब्रश का काम किसी चीज को साफ करना नहीं, बल्कि आपको सेफ रखना होता है। दरअसल एस्केलेटर पर चढ़ते समय कुछ लोगों के कपड़े या सामान एस्केलेटर के साइड में फंस जाते हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन एस्केलेटर के साइड में मौजूद ये नायलॉन ब्रश आपके कपड़ों और सामान को एस्केलेटर के साइड में एक सुरक्षित दूरी पर रखते हैं और कोई भी हादसा होने से बचाते हैं।